तुम दोनों शीला जी के सेक्रेटरी को मिलने की तैयारी करो, ठीक है? शीला? वो मैं तुझे समझा दूंगा। शीला, कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले मैं तुम्हें वो चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाए। और जब ये सेट पहनकर तुम लिमोजीन से अपने घर से बाहर निकलोगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? अच्छा, तू करे तो सब बढ़िया, मैं करूं तो प्रॉपर। और नहीं तो क्या, तुझे नहीं पता इसको इतनी महंगी महंगी गिफ्ट देकर तूने अपने लिए और कंपनी के लिए मुसीबत मोल ली। जल रहा है, मैंने शीला को इंप्रेस कर दिया तो जल रहा है। सॉरी, और एक बात कान खुल के सुन, तूने जो कर दिया कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहता हूँ वो तू करेगा, क्योंकि तू बोल रहा है मैं तेरा सीनियर हूँ। बस 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 भाई, देखिए सीनियर सर, बहुत गर्मी दिखा ली आपने। अरे गर्मी से याद आया जीनी, क्यों ना अपने विक्की सीनियर सर को किसी गर्मा गर्म जगह पे भेज दिया जाए। मेरे ख्याल से तपता हुआ रेगिस्तान ठीक रहेगा। क्या? बिला 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 बिला, ये भी बिला 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 बिला, दिस इज चीटिंग यार, पहले ठंडा फिर गर्म, ये गलत बात है। पर देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। जीनी, what are you waiting for? इसे एक घंटे के लिए रेगिस्तान में पहुंचाओ ना, फटाफट। मुन्ना, अब हम ऑफिस में मिलेंगे। वेलू, या? वेलू, सुनो ना, आपको पता है ना, अगर मेरे जूजू वहाँ जाएंगे तो उन्हें कितनी गर्मी होगी, और अगर मेरे जूजू को कुछ हो गया तो? कुछ हो गया तो देखा जाएगा। जीनी, मेरा ऑर्डर फॉलो करो अभी। ओके, द काउंटडाउन बिगिंस। ऑफिस में मिलते हैं विकी। अरे वाह, वेरी गुड, इस बार जू बीच पे भेज दिया। ये तो जू बीच नहीं, रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है ये, या तो ऊंट भी नहीं दिख रहा। अभी से गर्मी लगने लगी। कोई है? कोई है? मेरी आवाज है। मजा आ गया। विकी की बड़बड़ 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 तो बंद हुई, जब देखो बीच में बोलता रहता है। वेलू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्यों भाई, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अच्छा, थैंक्स? वो क्यों? देखो, पहले हमने विकी को एंटार्क्टिका भेज दिया था, तो वहाँ ठंड के मारे जम गया था। अब हमने उसे तपते हुए रेगिस्तान में भेज दिया है, तो सब बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा वो। चिल चिल, इतना सा मजाक नहीं समझती तुम, मैं जस्ट जोकिंग। शीला आई। वैसे शीला ने अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ली है, और उन्होंने शीला से कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। वाओ, थैंक यू शीला, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि तुमने मेरे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, थैंक यू तुम हमारी कंपनी की ब्रांड। वो हैंडसम सा, साइलेंट सा नौजवान दिखाई नहीं दे रहा, कहां है वो? अच्छा वो, अरे उसे तो मैंने वापस भेज दिया, वो तो ऐसे ही था। क्या? शीला बिल्कुल खुश नहीं, क्यों भेजा? क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जीनी, आपको देख के ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कैसी बातें कर रही तू? चिल वेलू, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा मजाक भी समझ में नहीं आता। ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, राइट? या टेम्परेरी है, टेम्परेरी। ये तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है? मैं तुमसे भी ऐसी बात करूंगी। What? हाँ, अगर तुम्हें और वेला को मेरे ऐसे बात करने से प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हारी सेक्रेटरी बनने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जूजू की सेक्रेटरी बनूँ। जूजू? जूजू? जूजू मतलब विक्की। You know, शीला तुमसे अग्री करती है, क्योंकि शीला को भी वो जूजू पसंद आया। अच्छा, अरे तू गेट इट जीनी। शीला, अब हम चलते हैं।
तुम कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ऑफिस में भिजवा देना, राइट? या चलें जी? नहीं चलिए चलिए. एक्सक्यूज मी या आ, कितना दिन हो गया भूत का चेहरा देखे हुए. अरे भूत का चेहरा नहीं देखेगा तो उसको पकड़ने के लिए हम जाल कैसे बिछाएगा? पूरी बाबा भूत किधर गया, दिखाई नहीं देता है. चतुर अंकल जी ने दीदी को पकड़ना चाहते हैं इस दूरबीन की मदद से, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा. चतुर एजे तारातारी एशो, जल्दी चलो. केनु? अरे वो कमरे का खाट छड़काने का है तो? उसके नीचे में बहुत धूल मिट्टी है तो? अरे तुमको साफ करने का है, चलो. ओ अच्छा तो तुम चलो, हम आता है. जल्दी आओ है. चतुर बाबू वाह, दुर्गा को ऐसा पट्टी पढ़ाया है कि अगला दो तीन घंटा तो वो हमको डिस्टर्ब ही कर देना. भूत इधर दिखाई नहीं दे रहा. चतुर हम जानता था तुम जरूर उस दूरबीन से फिर से धक्का झक्की कर रहा है. तुम कैसे जानता था? तुम्हारा शकल में लिखा है. एक मिनट. ए देखो ये कालाज भी कौन है? तुम है. आज तो तुमको हाथ दिखाओ. और हाथ दिखाओ. और पीछे देखो कौन आया है. कौन है? ये है. बहुत हो गया, तुम अभी देखो देखो हम इसका क्या करता है. ए, ना, 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 ए, 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 देख जाओ ना मने. छोटा बाबू मोशाय इधर आए. Oh, come on. Boss, चाय. Boss, कितने चम्मच शक्कर डालो? हाँ वो दो चम्मच. वैसे छपरी, हाँ मैं समझ रहा हूँ. क्या समझ गए बॉस? यही कि तुम चाय कम बना रहे हो और अपनी महंगी वाली घड़ी मुझे दिखाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो. वाह बॉस वाह, आप समझ गए? Of course. बॉस आपने मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? वो क्या है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की सोच रहा था, मगर क्या है कि जब तुम ये महंगी घड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो फिर सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत है? जरूरत है बॉस, आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए. चाहो तो वेला सर की सैलरी कम कर दीजिए. वेला की क्यों? बॉस ये घड़ी मुझे वेला सर ने गिफ्ट की है. क्या उस कंजूस वेला ने? हाँ बॉस, लगता है उनकी लॉटरी निकली है. लॉटरी? अच्छा ठीक है तुम जाओ. जी बॉस. सुना प्रिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वेला जो कभी किसी को जिंदगी में एक मिट्टी का घड़ा तक गिफ्ट नहीं करता, उसने छपरी को इतनी इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट कर दी. डैड वेला को छोड़िए, मेरे बारे में सोचिए. ऑफ कोर्स, एक मिनट. प्रिया तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम तुमने विकी को क्या गिफ्ट किया था? विकी को क्या गिफ्ट किया था? तुमने विकी को कब गिफ्ट दिया था? डैड विकी मुझे गिफ्ट देता है, मैं उसे कुछ नहीं देती. ये तो गलत बात है. तुम्हें भी विकी को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए. लेकिन क्यों डैड?
वो क्या है बेटे, इन छोटी छोटी सरप्राइजेस से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, रिश्तों में फिर से मिठास आ जाती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड, मैं अभी जाके विकी के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदती हूँ। गुड, वेरी गुड। दीजिए। तो बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे और विकी के साथ ही है। आशीर्वाद नहीं डैड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड? आप ही ने तो कहा विकी के लिए गिफ्ट खरीदो अच्छा सा। थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट। क्यों देता हूं मैं ऐसे आइडियाज? पानी 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 पानी, शायद इसके अंदर पानी हो। पानी। क्या बात है, बड़े प्यार से देख रही हो मुझे। इसे प्यार से देखना नहीं कहते। अच्छा, तो और क्या कहते हैं? इसे गुस्से में घूरना कहते हैं। तुम मुझे गुस्से से घूर के देख रही हो, जबकि मुझे तुमको गुस्से से घूर के देखना चाहिए। अच्छा, मुझे क्यों? क्यों? वो शीला के सामने क्या कह रही थी, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो क्या गलत कहा? तुम्हारी बुद्धि सच में भ्रष्ट हो गई है। अरे यार, ऐसे कैसे? मतलब मैं मालिक हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। वेलू, तुम मेरे मालिक हो, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, और तुम्हारी बात मानना मेरी ड्यूटी है, तुम्हें पसंद करना नहीं। हो, फूल बने अंगारे, बड़ी खूंखार होती जा रही हो। कैसे झेल लेता है विकी तुमको? ओह, खुद ही पूछ लेना। देखो, उनके आने का समय भी हो गया है, वैसे कुछ अंगारे तो वो भी बरसाएंगे तुम पे। एयरलाइंस की एसी भी ना। अरे भगवान, थोड़े देर और वहां रुकता तो तंदूरी विक्की हो जाता। मेरी हालत उस बच्चे में खाने की तरह हो गई है, जिसे पहले फ्रिज में रख के ठंडा किया जाता है, उसके बाद गैस पर रख के गर्म किया जाता है। बेला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेला, विक्की, हेलो प्रिया। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही, तो फिर मैं यहाँ क्यों आई, है ना? तुम्हें पता चल गया? क्या? यही कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ? नहीं बेबी, यही कि तुम्हारे मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए तुमने पहल की। विकी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बेबी, मैंने आजकल अपर बॉडी वर्कआउट शुरू किया है ना, इसलिए थोड़ी सी टी शर्ट तंग हो गई है। बोलो ना, बोलो ना। ओके, वो क्या है ना, मुझे एहसास हो गया। अपनी गलती का? नो सिली, तुम्हारी गलती का। मैंने क्या गलती की? हाउ स्वीट। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि गलती करके ये पूछ रहे हो कि मैंने क्या गलती की। विकी, तुम ये क्या किए जा रहे हो?
बेंच प्रेस मार रहा ना तू थोड़ा सा। एनीवेज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ कर देती हूँ। मुझे माफ कर दोगी तुम? थैंक यू। यू वेलकम स्वीटी पाई। पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्या लाई हो? सुबह मेरी स्वीटी पाई को बहुत ठंड लग रही थी ना, तो मैं अपने स्वीटी पाई के लिए ये प्यारा सा स्वेटर लाई हूँ। विकी तुम चीख क्यों रहे हो? खुशी, खुशी के मारे। अच्छा, खुशी में चीखते भी है? और नहीं तो क्या बेबी, तुमने देखा नहीं था माइकल जैक्सन को देख के लोग खुशी के मारे चीखते नहीं थे? वैसे अब ओके, अब वेरी गुड। चलो अब इसे जल्दी से पहन के दिखाओ। चलो हाथ दिखाओ। सहले सहले विकी, किसी ने कहा है कि बुरा वक्त टल जाता है, ये भी टल जाएगा। यस विकी, तुम रो रहे हो? खुशी से रो रहा हूँ बेबी, खुशी से। तुम इतने खुश हो? बहुत बेबी, पहली बार तुमने मेरे लिए गर्मा गर्म गिफ्ट लाया ना, मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं, क्यों क्यों उतार रहे हो? खराब ना हो जाए इसलिए बेबी। इसे मैं तकिए के नीचे रखे सोऊंगा ताकि मैं सिर्फ तुम्हारे सपने देख सकूं। So sweet. लेकिन अभी इसे पहने रखो, कितने handsome लग रहे हो तुम। अच्छा, thank you. सिर्फ thank you? लंच में नहीं लेके जाओगे? हाँ, why not? Sure, पक्का। बेबी, 5 मिनट दोगी? विला से कुछ जरूरी काम है, उसके बाद चलते। तब तक मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। या या या। ओके? या sure sure sure. And thank you for this, हाँ? गर्मा गर्म। स्वेटर, अच्छा एक गिफ्ट में रेनकोट नहीं थी। विला के बच्चे, अब तो तू गया। I'm coming. ये अपना चूचू प्रेम बंद करो और दूर खड़ी हो जाओ, चलो। विला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम इसी वक्त विकी को स्टैचू बना दो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। नहीं बनाओगी? भूल गई अपने जिन का श्राप? बोलो, भूल गई, भूल गई? नहीं भूल सकती। चलो अभी इसी वक्त स्टैचू बना दो। और हाँ, मुंह खुला रखना, मुझे इसे सुनना है। सॉरी जूजू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी हड्डी फसली एक कर दूंगा। हाँ तो आना आना, आजा आजा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे पहले पकड़ तो सही। विला, सच्चा लेकर आऊं? किक बॉक्सिंग का पहला रूल, मूव हैज टू बी करेक्ट। यस, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। ओके। जूजू, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। थोड़ा झुको, ये ठीक है? और झुको, ये झुकने के लिए कहा, कमर मत झुकाओ। यस सर। सर मैंने कहा आप लोगों में से कोई चाय पिएगा? रूल नंबर टू। क्या? प्रैक्टिस करते वक्त कोई डिस्टर्ब करे, लात मार के मुंडी उड़ा दो उसका। यस सर, मैं बाद में आता हूँ। भगवान तेरे मुझे नॉर्मल कर दे वेला। वेला, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। क्या यार, तू बात बात पे दोस्ती दोस्ती करता रहता है, नॉर्मल कर दो इसको। मुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, दोबारा स्टैचू बना दूंगा। पागल हो गया तू, बावला हो गया तू, जब से जीनी तेरे हाथ लगी है ना, अजीब वो गरीब हरकतें कर रहा है तू। क्यों, मैंने क्या किया भाई? क्या नहीं किया है तूने? वो शीला को करोड़ों की गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? पता उसका असर हमारी कंपनी पर क्या होगा? और तो और जब बॉस को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? विकी, या बेबी, स्वीटी पाई, तुम्हारे 5 मिनट हुए नहीं अभी तक। अरे भाई, मैं तो कब से बोल रहा हूँ विकी से कि जा जा जा, तो यहाँ वेट कर रही होगी लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। चलो ना स्वीटी पाई। या, I'll see you later. वेला, वो स्वीटी पाई मेरे जूजू को लेके चली गई। अरे भूल जाओ विकी को, अब जरा
अपने वेलू पे ध्यान दो। कभी नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.